खिचड़ी खाएगा, अंडा खाएगा, बैगन भाजा खाएगा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सो आज का ब्लॉग है बहुत ही इंटरेस्टिंग और माँ लोग के लिए स्पेशली, क्योंकि माँ लोग हमेशा कंफ्यूज रहती है क्या बच्चे को क्या मजबूत हो, हेल्दी हो। सो आप लोग के लिए हम ये ब्लॉग लाए हैं स्पेशली, क्योंकि मैं अपने बेबी को ऐसा खिलाती हूँ जिसके वजह से वो एकदम मेंटेन है, ना मोटा होता है ना बहुत ज़्यादा पतला होता है, एकदम परफेक्ट है और बहुत ही अच्छा भोजन प्राप्त करता है वो। और सो आप लोग को ये ब्लॉग हम शेयर कर रहे हैं, बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आप लोग के लिए। तो जो लोग कंफ्यूज रहते हैं माँ लोग, वो लोग ये ब्लॉग ज़रूर देखें लास्ट तक, एंड तक, और लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अगर आप लोग को अच्छा लगेगा तो। तो आप लोग देखिए, अभी को हम जाते हैं, खिला देते हैं खाना दोपहर का लंच। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा सुंदर सा खिचड़ी बना हुआ है, इसमें सारे मतलब जितना हो सके वेजिटेबल आप डाल सकते हैं, वो बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और यहाँ पे देखो अभी अंडा उठा लिया पहले ही, और हम सबसे पहले क्या करते हैं खाना उसके सामने रख देते हैं, वो अपने खाना के साथ थोड़ा खेलता है, उसको समझ में आता है कि क्या खाना चाहिए, उसको जो पसंद आता है वो पहले खा लेता है, फिर उसके बाद हम खाना स्टार्ट करते हैं उसको खिलाना। पहले वो देखता है, छूता है, खेलता है। आप लोग भी ऐसा करें, नहीं तो वो सोचेगा कि बस ठूस के हमको खाना है, ये ज़बरदस्ती खाना है। जब तक वो खेलेगा नहीं तो वो खाना को समझेगा कैसे, इसीलिए हम उसको छोड़ देते हैं, पहले वो खेल लेता है फिर उसके बाद उसको खाना खिलाते हैं हम। और यहाँ पे ये छोटा चावल है जो बहुत ही बच्चे के लिए अच्छा होता है, और दाल है जो कि मसूर दाल बच्चे के लिए बहुत ही अच्छा होता है, तो इसमें मसूर दाल है और छोटा वाला चावल है, और इसमें सारा वेजिटेबल डाल के खिचड़ी बनाया हुआ है। और यहाँ पे एग हम उसको डेली देते हैं, जितना भी खाए, थोड़ा सा खाए, ज़्यादा खाए, उसको हम एग ज़रूर खिलाते हैं। और ये बैगन जो भाज के बनाते हैं, बस नून और हल्दी हल्का सा देके इसको भाज के बनाया जाता है बैगन भाजा। सो ये भी अबीर बहुत पसंद करता है, इसलिए ये खिलाते हैं, नहीं तो वैसे तो मछली कुछ ना कुछ अच्छा अच्छा मछली वो खाते ही रहता है हमेशा, वो सब भी आपको शेयर करेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। सो ये खिचड़ी और अंडा कितना हेल्दी होता है आपको पता ही है, बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है, तो आप ज़रूर खिलाएं बच्चे को लंच में। मैं अपने बच्चे को खिलाती हूँ कभी दाल चावल मछली, ये सब भी खिलाती हूँ, वो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको देखने मिल जाएगा। सो हम अबीर को यही खिला रहे हैं आज, अबीर बहुत ही अच्छे से खाएगा इसको, आप देखिए। और यहाँ पर देखो कितना इंजॉय कर रहा है, मम्मी के साथ बात कर रहा है, हंस रहा है। और यहाँ पर कभी हाथ से भी खिलाते हैं, कभी चम्मच से भी खिलाते हैं, उसको जैसे अच्छा लगता है, एंजॉय कर रहा है पूरा मेरे को छू रहा है, प्यार कर रहा है, समझ रहा है कि वीडियो हो रहा है, इसीलिए बार बार फ़ोन में देख रहा है। देखो कितना एंजॉय कर रहा है खाना। और यहाँ पे देखो क्यूट सा इसका बाल बांध दिए हैं, कितना क्यूट लग रहा है, और बात भी कर रहा है। देखो नखरा तो पूछो ही मत, इतना नखरा करता है ये लड़का, सबको परेशान करके रखता है मेरा बेटा। अब देखो अभी नौटंकी का स्टार्ट, ऐसा नहीं है कि एकदम चुपचाप बैठ के खा ले, ऐसा नहीं है, बहुत ही परेशान करेगा। फिर उसके बाद अचानक से ऐसा क्या होता है पता नहीं, बैठ जाता है और मतलब पटापट खाना फिनिश कर देता है ये लड़का। देखो कितना बदमाशी कर रहा है देख रहा है फ़ोन में वीडियो हो रहा है, इसीलिए और ज़्यादा कर रहा है। इसका बदमाशी ख़त्म ही नहीं होता जब तक खाना ना ख़त्म हो उसका। बस अब अच्छे से मेरा बेटा सब खा लेगा खाना मेरे साथ मजाक कर रहा है ये लड़का, मजाक चल रहा है गाइस, बहुत ही मस्ती करता है खाने टाइम में मेरा बेटा। वो अच्छा गाना खोज रहा है, उसको अच्छा गाना ही नहीं मिल रहा है, अब बीच बीच में उसका मुंह भी पोछना पड़ता है, नहीं तो वो हाथ से पोछ लेता है। डांस करेगा, नाचेगा, गाएगा, खाते खाते सब कुछ कर लेगा। खाने के बाद अभी खाना खाने के बाद ऑरेंज खाता है, इसको हम थोड़ा छुड़ा के देते हैं, चूस चूस के फेंक देता है, क्योंकि ये वाला अभी का ऑरेंज थोड़ा सख्त सख्त आ रहा है।
अबीर देखो कहाँ बैठा है, पापा का मालिश कर रहा है सर। मालिश कर दो बेटा। बाय, गुड बाय, गुड बाय। कर दो मालिश, कर दो पापा को। अबीर, अबीर लाइटर लेके चला आया है ऊपर। खाने के बाद अबीर पूरा मस्ती करता है। देखे आप, ऑरेंज भी खाया थोड़ा सा, फिर उसके बाद अब सोएगा। बाप रे, लाइटर से मार देगा तो? नहीं मारेगा बेटा। पापा को मालिश करे दा तो, करे दा तो। ले कंगी लाया का ना रिमोट से। देखो कितना अच्छा से मालिश कर रहा है। वो पता है जो कंगी वाला नहीं है, मालिश करने वाला हैंड मसाज, वही समझ के कर रहा है। देखो कितना धीरे धीरे कर रहा है। खराब कर दिया तो।